एक दिन श्री कबीर साहब ने कहा, मैं अंत समय के अंदर है और काशी जी के तालाब हो जगह के ऊपर अपनों चोड़ो छोड़ दियो, चोड़ो छोड़ने हूं चार मजबांगा लोग जगह लड़ मरिया, तो मिया तो देख के कहने लग गया मैं दफना सा कबीर साहब नीरुद्दीन को बेटो निम्माएंगी मागो ना वो मुसलमान हो। और ब्राह्मण लोग देखे बोला नहीं भाई, नीरुद्दीन ने तो लद हो तालाब पर, बाकी विद्वा ब्राह्मणी को लड़को हो। ब्राह्मणी तो की है रामानंद जी की शिष्य ही, अरबिंग है रामानंद जी के हुक्म से हो, बण क्यों महाराज मैं बहुत दुखी हूं। रामानंद जी बोला तो जा भाई, भगवान थारे भली कर थाने पुत्र देसी। बा बोली महाराज आप तो उल्टी आशीर्वाद दे दी, मैं तो विधवा हूं। विधवा को कह देना, रामानंद जी देखे बोले भाई मैंने तो आशीर्वाद दे दिया, अब तो आपके पुत्र होगा। तो अभी जी नौवे महीने लड़को हो कुण हो कबीर साहब, तो बा जागे अरबी लहरी तो तलाव के ऊपर थोड़ी आई, बट्ठे नीरुद्दीन जुलाओ वो भी ने ले गया हो नीरुद्दीन और निम्मा सागे ही दोनों ले आगे बिंगो पालन पोषण करियो। तो अब जी मैं लोग देखे बोलिया ये वास्ते भाई ओ विधवा ब्राह्मणी को लड़को हो और कबीर साहब जो को वास्ते में मैं इन्हें दफनान को अन्या बाड़ांगा। हाँ जी, तो वो कहने लगे हिंदू लोग का, मैं बोलिया मैं बाल श्याम, क्यों कि ये कबीर साहब जो कहे वो विधवा ब्राह्मणी को लड़को हो और ब्राह्मणी रामानंद जी की शिष्य ही और बा सेवा करती। एक दिन बोली महाराज बहुत दुखी हूं मैं। रामानंद जी बोले जाओ आपके पुत्र होगा। बोली महाराज पुत्र आपने तो ये आशीर्वाद गलत दे दिया, क्यों कि मैं तो विधवा ब्राह्मणी हूं, विधवा हूं भाई, मैंने तो छोड़ दिया बदल। मन को महाराज बहुत बुरा बात हुई है, नौ महीना होया तो कबीर साहब होया, माने एक तड़ाव होते ऊपर छोड़ी आई और वो नीरुद्दीन जुलाओ और निम्मा है दोनों बगलनागरा ने मिलो आपको पालन पोषण करो, कबीर साहब की निकाह हुई और इसकी शादी वगैरह सारों के काम करो, तो ये वास्ते मुसलमान के गृह पालन पोषण हो, तो हम इसको जो है वो दफनाएंगे। मां को नहीं, मुसलमान का होना क्या है, विधवा ब्राह्मणी का लड़का था इसलिए हम इसको नहीं दफनाने देंगे। तो जी महात्मा लोग देखे बोला थे दोनों ही कूड़ा हो, कबीर जी हा महात्मा है, कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान, तो मेया ने बूर श्या जी समाधि दे श्या। कई और लोग काबे देखे बोला मैं जल दाकर श्या जी जल में त्रियावांगा कबीर साहब ने, और ना बूरण द्यार ना बालन द्यार ना जल दफनान द्या। इया कर गया गए कबीर साहब की मृत्यु पर चार पांच मध्यभागो रोलो हो और अंग है जो को वो चोड़ो जगह पर चादर उड़ा रखी, कई देर हुई चादर जमीन के लागी, मां क्यों आपने रोलो करो देखो सूरी चादर में की लागी हुई कोनी। आगे चादर दो तीन जना मुखिया जागे उठा के देखे तो दोबो फूल मिलिया, मां बोलिया फूल है तो कहा फूल है तो आपने बांट लियो थे दफना दियो, मैं बाल दे श्या मैं बूर दिया और मैं पानी में तिरा दिया। तो वाह इया करके करने गया फूल बांटन ने और वह फूलों का हाथ लगाया फूलों को पानी हो गया भी समुद्र में मिल गया। अब जी एक भजन है लास्ट में कबीर जी की आकाशवाणी हुई, तो बिना कबीर आकाशवाणी हुई है कबीर जी का लास्ट को आ बाणी है। कबीर कमाई आपगी कबीर कमाई आपगी कदे ना निरफल जा, बावे पे
जब मुड़गा तो फिर आम कटे सूखा। दीवाने देश समझ में ए मोती रे अटला, चलो दीवाने देश समझ में मोती रे अटला, चलो दीवाने देश। अब चलने गिरे करता त्यारी, सब तलने की को करता त्यारी, डूब जा जाल में जो है बड़ो भारी, डूब जा जाल में जो बड़ो भारी, होया तलने को प्यार के हंसनी, मारो तीरे असला चलो दीवाने देश समझ में मोती रे असला, चलो दीवाने रे। ताल पड़ा जद डूब जा छूटी, ताल पड़ा रे जद डूब जा छूटी, पिथली प्रीत बा कुटम से टूटी, पिथली प्रीत रे कुटम से टूटी, घटपट सोत विचार बांतू रहेगी है सुती रे असला, चलो दीवाने दे समझ में मोती रे असला, चलो दीवाने दे। निराकार गारे देश निराला, निराकार गावो देश निराला, सती भाणे बिना होवे युजियाला, सती भाणे बिना होवे युजियाला, लगे ना कालगी चोट अमर है, बाजू पीरे असला, चलो दीवाने दे समझ में मोती रे असला, चलो दीवाने दे। निराकार परे कीना भाषा, निराकार परे कीना भाषा, कैत कबीर ना आवण गया आशा, नैत कबीर ना आवण गया आशा, मिल गया नीर माई नीर के आए मारे है गोती रे असला, चलो दीवाने दे समझ में मोती रे असला, चलो दीवाने दे समझ में मोती रे असला, चलो दीवाने दे। गुरु भगवान की, चलो दीवाने दे समझ में मोती रे अंसा, चलो दीवाने दे। जो दीवाने देश की प्राप्ति करते हैं वो संत अपने पहले तो आपको खोजते हैं और फिर करते हैं आपके अंदर है। पहले तो शुद्धता होनी चाहिए। शुद्धता क्या है के संत होते हुए और झाड़ो डोरो जंत्रादि ना करें। एक बात, संत होकर के शराब ना पिए। दो बात, महात्मा होते हुए धूम्रपान ना करें और महात्मा होते हुए चोरी जारी आदि ना करें। महात्मा होते हुए किसी के साथ में ठगी ना मारें। महात्माओं का बहुत बड़ा विचार है परंतु महात्मा लोग होते नहीं है। तो काफी लोग जो है वो महात्मा तो हजारों में लाखों में एक होता है,
और बाकी लोग पाखंड बहुत ज्यादा करते हैं। लो डोरो कर दियो बाकी एक दृष्टांत है। कोई बोली महाराज मारा डोरो कर दियो नी क्यांगो भाई क्या घर वालों रोला बुरा करे क्या डोरो कर दिया। अब घर वाले रोला को के डोरो है अपन करे वो अले भाई सोचे नहीं देखे ऊपर करो मार गए अरे लाना में दाब दी के दाना तो इतना ही है महाराज था नहीं 51 रुपया लिया दिया इन डोरेगा तो वाह भाई बाढ़ में दाब दियो भीत में दाबो भी मऊ खटे करो भी काम गयो सर फिर वो नए पल्ले तो फिर बा कदे ही मिले वो महाराज कहते डोरो करके दियो वो तो रोला भी ही करने लाग गयो अरे कोई नहीं पल्लो तो भाई उतर गयो और कराओ और पीछा लगाओ। ये वास्ते ये बात भी संभव नहीं है। संत लोग तो सिर्फ प्रवचन है और वचन देते हैं। वचन से किसका कल्याण हो तो हो सकता है नहीं तो ना हो तो कोई बात